क्या आपको पता है कि चांद पर पहला व्यक्ति कौन गया था? आप में से मोस्टली लोग बता देंगे कि जी हाँ, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था, तो आप में से मोस्टली लोग सोचेंगे कि कौन था, मुझे तो नहीं पता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यही है कि आखिर हम लोग पहले व्यक्ति को क्यों याद रखते हैं जो भी कोई काम करता है, और दूसरे व्यक्ति को क्यों भूल जाते हैं। उससे पहले मैं अगर अपना परिचय दे दूं, तो मैं हूं शिवम सिंह और आप देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड। राउंड वर्ल्ड एक ऐसा चैनल है जो आपको सभी प्रकार के फील्ड्स की जानकारी आप तक पहुंचाए। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। उन्होंने अपोलो 11 मिशन के तहत ये मिशन कंप्लीट किया था और पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने चांद पर अपना कदम रखा था। उनसे ठीक 5 सेकंड की देरी से बज एल्ड्रिन, जो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर अपना कदम रखा था, वो शायद आज के जमाने में लुप्त हो गए और उनका नाम कोई शायद नहीं जानता। और रिसर्च करते वक्त मुझे पता लगा, क्योंकि मुझे इनका नाम नहीं पता था कि दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने चांद पर अपना कदम रखा था। अभी तो हमने बस आपको एक ही व्यक्ति के बारे में बताया है, ऐसे अनेकों बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अलग अलग फील्ड्स में जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और शायद आप उनके बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि उन्होंने ये काम दूसरे नंबर पर किया है। शायद पहले नंबर पर जिन्होंने किया है उनके बारे में आप जानते हो, लेकिन जिन्होंने दूसरे नंबर पर किया है उनको शायद आप नहीं जानते हो, और हम इस वीडियो में आपको वही बताने वाले हैं। आइए हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। अगर मैं आपसे पूछूं कि माउंट एवरेस्ट पर पहली कौन सी महिला थी जिन्होंने अपने कदम रखे थे, तो शायद आप बता देंगे कि बछेंद्री पाल जी थी जिन्होंने अपने पहले बार जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। लेकिन अगर मैं पूछूं कि दूसरी कौन सी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपने कदम रखे थे, तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। तो उससे पहले अगर मैं बता दूं कि बछेंद्री पाल ने 1984 में अपने कीर्तिमान अपना स्थापित किया था और माउंट एवरेस्ट पर वो जाने वाली पहली महिला बनी थी। और दूसरी जो महिला थी जिन्होंने अपने कदम रखे थे माउंट एवरेस्ट पर, वो थी संतोष यादव जी, जिन्होंने 1992 में माउंट एवरेस्ट फतह किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, APJ अब्दुल कलाम को हम सब मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मिसाइल वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है, तो शायद ही आप में से कोई बता पाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए हूँ, और मैं बता दूँ कि टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। जाना तो नहीं जाता क्योंकि आप शायद नहीं जानते होंगे और हम भी नहीं जानते थे, रिसर्च करने के बाद हम सबको पता चला, और उन्हें मिसाइल वुमेन के नाम से सब लोग कहते हैं। जो भी अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड होंगे तो आपको पता होगा उनके बारे में। अगर क्रिकेट की बात करें तो आप सबको पता होगा कि युवराज सिंह ने 2007 के वर्ल्ड कप में 1 ओवर में 6 छक्के स्टुअर्ट ब्रॉड को मारे थे। लेकिन अगर मैं फिर से आपसे पूछूं कि दूसरे ऐसे कौन से बल्लेबाज थे जिन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के मारे, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। अगर मैं आपको बता दूं कि हर्षल गिब्स दूसरे ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के मारे आयरलैंड के खिलाफ, और ये वनडे में एक रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, पहली बार किसी ने 1 ओवर में 6 छक्के मारे थे। तो शायद आप इसके बारे में भी नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये बात पता चल गई आज। और आगे बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में, और एंटरटेनमेंट का आजकल का बहुत बड़ा स्रोत यूट्यूब है, और यूट्यूब से आजकल लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेन होते हैं हर प्रकार की वीडियोज़ देख के। तो अगर सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 मिलियन का माइलस्टोन किसने अचीव किया था, तो शायद आप में से बहुत सारे लोग बता देंगे टी सीरीज़ पहली ऐसी यूट्यूब चैनल थी जिन्होंने 100 मिलियन का माइलस्टोन कंप्लीट किया था। लेकिन दूसरे कौन थे, दूसरे कौन थे शायद कुछ लोग बता भी दे, क्योंकि उस टाइम बहुत ही बवाल इस टॉपिक को लेकर हुआ था। और दूसरे नंबर पर प्यूडीपाई थे, एक इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर है वो, और प्यूडीपाई जो है वो स्वीडन के एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, और वो स्वीडिश यूट्यूबर हैं। और अब मैं और इस वीडियो में और क्या आपको बता सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको और भी टॉपिक्स के ऊपर बताऊँगा तो। और हम इस वीडियो को भी यहाँ पे एंड करना चाहेंगे, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।